रोडरेज मामले दे विच सज़ा भुगत के जेलों बाहर आने तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू अज मानसा के पिंड मूसा पहुँचणगे जिथे मरहूम गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले के मापियां दे नाल मुलाकात करनगे अते शाम नूं 4:15 बजे के करीब मानसा दे विच पत्रकार मिलनी नूं संबोधन करनगे ते पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर के हालातों बारे अपने विचार रखणगे। 1 अप्रैल शाम नूं जेलों बाहर आए सिद्धू ने 2 अप्रैल का सारा दिन अपने परिवार के नाल पटियाला वाले घर दे विच बताया ते जेलों बाहर आने तो बाद मूसेवाले दे पिंड सिद्धू की पहली जनतक फेरी होगी। अंदर खाते पता लग्या कि पंजाब कांग्रेस का भावें नवजोत सिद्धू नूं कोई तरजीह देने दे विच काली नहीं है पर कांग्रेस हाईकमान अंदरे अंदर अपने तेज तरार लीडर नवजोत सिद्धू नूं करनाटका असैम्बली चोणां दे विच बीजेपी के मत्थे लाउण दीआं व्यंतां घड़ रही है। जेल विचों रिहाई तो फौरी बाद पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं नवजोत सिद्धू ने जिथे अपने पंजाब प्रस्त लीडर होण दा सबूत दिता उत्थे ही बीजेपी अते आम आदमी पार्टी उत्ते कथित दोस्ताना मैच के जरिए पंजाबियों नूं बदनाम करन ते सूबे दे विच राष्ट्रपति राज लागू करन दे लई साजिश घड़न दा दोष लाया सी। पंजाब थाल है, इस देश की ढाल, उस थाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है, जहां जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है वहां वहां लोकतंत्र नहीं, सेंटर की सरकार षड्यंत्र करती है। षड्यंत्र, पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, फिर उसके बाद उसे दबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत कर दिया। मैं कहता हूं पंजाब को कमजोर करोगे, खुद कमजोर हो जाओगे। आउंदे दिनां दे विच नवजोत सिद्धू राहुल गांधी जां प्रियंका गांधी नूं दिल्ली दे विच मिल सकदे ने ते इस मौके गांधी परिवार दे वड्डे लीडर नवजोत सिंह सिद्धू नाल कर्नाटका चोणां दी चर्चा कर सकदे ने। उदों सिद्धू दे जेल तों बाहर आ के दित्ते बयानां ते आम आदमी पार्टी ते बीजेपी दोवें भड़क गईआं ने। पंजाब दे विच बीजेपी दे प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि सिद्धू ने रिहा हुंदिआं ही कॉमेडी शुरू कर दित्ती है। कहिंदे उन्हां जेल तों बाहर आ के रब दा शुकराना करन दे लई किसे धार्मिक स्थान ते जाण दी थां बीजेपी नूं निंदणा शुरू कर दित्ता है, जदकि बीजेपी ने कदे वी किसे सूबे दी सरकार डेगण दी कोशिश नहीं कीती। बीजेपी प्रधान ने कांग्रेस लोगों को गुमराह करने का दोष लाया। उधर आम आदमी पार्टी के पंजाब बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने तो परसों ही जवाब दे दिता सी जदों नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के मेरी रिहाई लेट की ताकि पत्रकार इतों चले जाने मेरी गल लोगों तक पहुँच ना सके। उन्होंने कहा कि सिद्धू जंग जित के नहीं गुनाह की सज़ा कट के आए ने, इसलिए उन्होंने ढोल नगारे वजाउण की थां बजुर्ग की मौत बारे आत्म चिंतन करना चाहिंदा सी। कहिंदे अपने गुनाहां की सज़ा भुगतन तो बाद सिद्धू थोड़ा निमर होना चाहिंदा सी, पर बाहर आउंदिआं ही पहले दिन तो उन्होंने खोखली बयानबाजी शुरू हो गई है। तो सिद्धू की रिहाई दरम्यान एक गल बड़ी खास तौर पर देखने को मिली कि सिद्धू ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी खिलाफ जिते जम के भड़ास कढ़ी उत्थे अकालियों ऐतकी छड्ड ही दिता। सिद्धू ने अपने मूहों अकाली दल का जिक्र तक नहीं किया, इस करके शायद अकालिया ने भी सिद्धू के लिए कोई तिखा बयान नहीं दिता।